देखिए, जब से कोविड स्टार्ट हो गया, हमने एक ब्लूप्रिंट बनाया जो हमने एग्जीक्यूट किया तमाम हॉस्पिटल्स में। सर्जरी रुकने नहीं दी हमने। हाँ, अब ये है कि हमने एक कैटेगराइज किया सर्जरीज का, जो इमरजेंसी है, हाई रिस्क पेशेंट्स हैं, जो वेट नहीं कर सकते हैं, उनके लिए हमने एक प्रायोरिटी में सर्जरीज की। और हमने जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी तब्दील किया। जैसे कोविड जो पेशेंट्स हैं उनके लिए हमने अलग बेड कैपेसिटी जनरेट की, हमने अलग थिएटर्स, अपना स्टाफ वैसे रेगुलेट किया कि जो कोविड पॉजिटिव के साथ इन कांटेक्ट में आया वो नेक्स्ट डे कोविड नेगेटिव थिएटर में ना आ जाए। सो एक प्लानिंग के साथ ही हमने ये सर्जरी की। और सर्जरीज हमने बंद नहीं होने, सिर्फ हमने ये किया कि जो एसेंशियल इलेक्टिव सर्जरीज हैं जिनमें पेशेंट वेट नहीं कर सकता, जैसे कैंसर पेशेंट है, डायबिटिक है, जो हाई रिस्क पेशेंट है, उसमें ऐसी सर्जरी की ज़रूरत है कि जो डिले होने से उसका डायबिटिक स्टेटस जो है वो इम्पेयर हो जाएगा। सो उन हाई रिस्क पेशेंट्स के लिए हमने एक अलग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है और अपना स्टाफ भी ऐसे रेगुलेट किया कि सर्जरीज स्टॉप ना हो जाए। इनफैक्ट हमारा OPD भी आजकल चल रहा है और हम पेशेंट्स को देखते हैं और हम ऑपरेट भी कर रहे हैं। हमने पिछले जनवरी के महीने में अभी तक हमने कम से कम 400 केसेस ऑपरेट किए हैं इमरजेंसी में, इलेक्टिव में। और सर्जरीज जैसे भी हो हम करते जा रहे हैं। अगर कोई कोविड पॉजिटिव आता है, अगर उसको ऑपरेट करना है, हम उसको ऑपरेट करते हैं। और हमने अपने ही वार्ड्स में एक वार्ड एक ऐसा बनाया हुआ है जहाँ कोविड पॉजिटिव पोस्ट सर्जिकल पेशेंट्स को हम रखेंगे, वो वार्ड 18। वहाँ हमारा अलग स्टाफ उनका 24/7 मॉनिटरिंग कर रहा है, हमारे कंसल्टेंट्स वहाँ जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई काम में कोई तब्दीली आए, इतना ही है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और जो प्लानिंग है वो थोड़ा सिचुएशन के हिसाब से हमने उसको टेलर किया हुआ है। तो सर, जो स्किम्स मेडिकल कॉलेज है वो गवर्नमेंट ने डिजिग्नेट किया है एज कोविड हॉस्पिटल। सो नेचुरली अगर कोविड हॉस्पिटल किसी को डिजिग्नेट करते हैं तो नॉन कोविड एंट्री वहाँ नहीं परमिसिबल है, वहाँ सिर्फ कोविड पॉजिटिव ही रह सकता है। जैसे हमारे पास भी अगर नंबर ऑफ कोविड पॉजिटिव केसेस जिनको ऑपरेशन ज़्यादा ज़रूरत है, हम कई बार वहाँ भी भेजते हैं और वो एंटरटेन करते हैं उनको। लेकिन जो हमारा है वहाँ, हमारा हॉस्पिटल कोविड डिजिग्नेटेड हॉस्पिटल नहीं है, हमें नॉन कोविड को प्रोवाइड करना है हेल्थ केयर। अब उसमें ये हो सकता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कम्युनिटी स्प्रेड कितना है कोविड का, हो सकता है जो अपेरेंटली नॉन कोविड है वो थिएटर में आके कोविड ये हो जाए, हम उसको बाहर नहीं निकाल सकते। हमने उसका जो रिक्वायर्ड सर्जिकल प्रोसीजर है वो हम उसको कंडक्ट करते हैं। उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिवली हम उसको अलग मखसूस जगह रखते हैं जहाँ कोविड पेशेंट्स को ही रखा जाता है विद इन द हॉस्पिटल कैंपस। वो अलग हमने पोस्ट ऑपरेटिव के लिए उनके लिए बनाया हुआ है, जहाँ डिजिग्नेटेड स्टाफ भी है, नर्सिंग स्टाफ भी है, और एडमिनिस्ट्रेशन ने भी वहाँ फैसिलिटीज़ उनके लिए वैसे ही रखी है जैसे नॉन कोविड पेशेंट्स के लिए। आम लोग आ सकते हैं अभी OPDs में यहाँ? देखिए, आम लोग बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन वही लोग आ जाएं जिसमें ज़रूरत है। ये जैसे कई कई बीमारियाँ होती हैं जो लोकल लेवल पे भी डील हो सकती है, वो ज़रूरत नहीं है टर्शरी केयर हॉस्पिटल में आने के लिए। लेकिन जो जो बीमारियाँ वहाँ मैनेज ना हो पाए उनको लाजमी है हॉस्पिटल आना, और हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट हो रहा है बखूबी। और वो पेशेंट्स जो भी लवाजमा टेस्ट वगैरह हैं, इन्वेस्टिगेशंस हैं, या हॉस्पिटल में एडमिशन है, वो सब हो रहा है। सो वो सब हो रहा है। थैंक यू सर।